उत्तरकाशी शिलक्यारा टनल हादसे के बाद से ही प्रदेश में संचालित परियोजनाओं पर कई सवाल उठ रहे हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे परियोजना के तहत बन रही सुरंगों को लेकर भी लोगों के मन में संशय बना हुआ है। कई पर्यावरणविद आशंका जता रहे हैं कि शिलक्यारा टनल जैसा हादसा रेलवे टनलों में भी ना हो। इस बीच मलेथा में बन रही रेलवे टनल की कार्यदायी संस्था नवयुगा ने आश्वस्त किया है कि सुरंग निर्माण में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 124 किलोमीटर की रेलवे परियोजना के तहत लगभग 100 किलोमीटर की दूरी रेलवे सुरंगों से होकर तय करेगी। ऐसे में सुरंग निर्माण में विशेष एहतियात बरती जा रही है। यहां NATM यानी कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से सुरंग निर्माण की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही समय समय पर मॉक ड्रिल के जरिए भी आपदा से बचाव के गुण मजदूरों को सिखाए जा रहे हैं। नवयुगा कंपनी के GM राजेश अरोड़ा बताते हैं कि सुरंग निर्माण के दौरान ग्राउंड कितना मूवमेंट कर रहा है, इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके आधार पर ही आगे का कार्य किया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाते हैं। बताते हैं कि अगर किसी जगह पर ग्राउंड मूवमेंट एक्सीड करता है तो यहाँ डिजाइन लिमिट से पहले ही अतिरिक्त सपोर्ट लगाकर स्टेबल किया जाता है। साथ ही मजदूरों की सुरक्षा के लिए सुरंग के अंदर प्रति 100 मीटर पर फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लगाए गए हैं, जिससे कि निर्माण के दौरान अगर किसी तरह की आगजनी हो तो उसे तुरंत काबू में किया जा सके। इसके अलावा सेफ्टी के लिए हेलमेट व सामान्य उपकरण हमेशा मजदूर के पास रहते हैं। राजेश अरोड़ा बताते हैं कि प्रतिदिन सर्वेयर द्वारा प्रतिदिन सुरंग के अंदर ग्राउंड मूवमेंट को चेक किया जाता है। देखिए, इसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमारा काफी सुरक्षा के जो इंतजाम चाहिए सभी हैं यहाँ पे किए हुए हैं। ये वाला जो चार धाम परियोजना है ये NATM मेथड से बन रहा है, जिसमें हमारा सबसे ज़रूरी क्या चीज़ रहता है कि हमारा एक्सक्यूशन के बाद ग्राउंड कितना मूवमेंट कर रहा है और उस मूवमेंट को हम 1 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड करते हैं। अगर मान लिया मेरा डिज़ाइन के बेस पे वो मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा है तो उसको हम बहुत अच्छे से एडिशनल सपोर्ट लगा के उसको स्ट्रेंथन करके स्टेबल करते हैं। मेरा जो अनुभव मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज हूँ कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, तो अभी तक मैंने ये नहीं देखा है कि हमारा जो डिज़ाइन लिमिट है उसके जो हमारा ग्राउंड मूवमेंट है एक्सीड कर गई है। जैसे हमारे एक लिमिट तक डिज़ाइन लिमिट से पहले हम उसका एडिशनल सपोर्ट लगा के उसको स्टेबल करते हैं। और वर्कर की सेफ्टी के लिए हमने हर 100-100 मीटर पे आग को नियंत्रण करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स रखे हुए हैं। इन केस कोई टनल में आग होती है, जो अभी तक अच्छा इंसिडेंट है कि आज तक कभी ऐसा अनुभव हुआ नहीं है, बट फिर भी उसके लिए हमने हर 100-100 मीटर पे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। तो ये सारे उपकरण ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो चाहिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मॉनिटरिंग हम जो ग्राउंड की है हर रोज़ उसको सर्वर जाके हर रोज़ जो के जाके चेक करता है। फिर हम लोग जियोटेक्निकल इंजीनियर जियोलॉजिस्ट उसको देखते हैं कि ग्राउंड मूवमेंट अधिक तो नहीं हो रही है, और अधिक हो रही है तो एडिशनल सपोर्ट के साथ में उसको स्टेबल और स्ट्रेंथन करते हैं। सर, देखते हैं कि लैंडस्लाइड वगैरह या इस तरीके के, क्योंकि बहुत से ऐसे पैच भी होंगे जहाँ ऊपर से पानी का रिसाव या इस तरीके का होगा, तो वहाँ पर किस तरीके के मेन वो होता है? पानी का रिसाव, देखिए जो हिमालय में जो जितनी भी टनल्स बन रही है पानी का रिसाव होना एक स्वाभाविक है। हिमालय में फॉल्ट जोन रहते हैं, नाले रहते हैं, तो पानी टनल के अंदर आना स्वाभाविक है। लेकिन पानी का टनल के आना बहुत ज़्यादा रिस्की होता नहीं है। हमने यहाँ पे हम जो कंस्ट्रक्शन के टाइम में पानी आता है उसको बाहर निकालने के लिए डीवाटरिंग सिस्टम रहता है, जिसमें पंप बिठा के पानी पाइपलाइन के थ्रू पानी बाहर निकालते हैं। और जब कंस्ट्रक्शन इसका कम्प्लीट हो जाएगा तो फुल फ्लैज अच्छा डिजाइन ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन किया हुआ है जिसको हम लोग उसको प्लेस कर रहे हैं। सर, अगर कुछ इस दौरान अगर किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना या कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या प्लान रहेगा? हमारे पास यहाँ पे पूरा हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट टीम है, जिसमें करीबन 25-30 लोग के करीब हमारे प्रोजेक्ट में भी हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, 25-30 या 32 लोगों के करीब हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट का पूरा टीम है। और हम लोग बीच बीच में मॉक ड्रिल करते रहते हैं, इमेजिन करके कि अगर मान लिया ये एक्सीडेंट इस जगह में होता है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। एम्बुलेंसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, तो हम उसको बीच बीच में मॉक ड्रिल करते रहते हैं। लेकिन सौभाग्य से अभी तक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहा है, कोई ऐसा एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ नहीं है। लोकल 18 के लिए श्रीनगर गढ़वाल से कमल पिमोली की रिपोर्ट।